नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। तो अगर आप कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर नया ट्रेड करना चाह रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, आपने पहले कोई ट्रेड किया है, इन तमाम मुद्दों पर अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर आप नोट कर लें 0222300-1634। इसके अलावा आप 0222300-1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड में आज उठापटक का माहौल बना हुआ है, पहले तेजी, फिर सुस्ती और एक बार फिर से कच्चे तेल में उबाल लौटता हुआ दिख रहा है। और आपको बता दें कि 2% तक दाम यहां पर बढ़ गए हैं, 2450 के करीब है MCX पर कच्चा तेल। एक हफ्ते में करीब करीब 25% की तेजी क्रूड में आई है और महीने भर में तो 150% तक दाम लोअर लेवल से बढ़ गए हैं। तो क्या क्रूड में आज के लिए बाइंग का मौका है या इस लेवल पर बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, पहले ये जान लेते हैं। हमारे साथ राजीव कपूर हैं इस पर बातचीत के लिए ट्रस्ट लाइन के, और साथ ही सचिन गुप्ता हैं चॉइस ब्रोकिंग के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजीव जी, क्या किया जाए क्रूड में? आपको लगता है कि बाई करके चलना ठीक है अभी आज, या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि क्रूड ऑयल ने काफ़ी अच्छी एक अपनी रैली दिखा दी, और कल जिस तरह से मई कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी भी हुई है, और कल ये देखा गया कि बाजार में काफ़ी भारी शॉर्ट कवरिंग हुई थी, और उसके बाद बाजार रात के आखिरी सत्र में थोड़ा सा फिसला भी था नीचे में 2500 से, और काफ़ी नीचे फिसल भी गया था। मुझे लगता है कि बाजार जो है 2440-50 एक ऐसा स्तर है जहाँ पर इनफैक्ट मैं थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपना रहा हूँ, इनफैक्ट कॉन्ट्रेरियन व्यू ले रहा हूँ। मुझे लगता है कि बाजार में एक बार बिकवाली की जा सकती है यहाँ पर, और आज अगर बाजार 2480 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तो काफी संभावनाएं हैं कि बाजार एक बार 2370 और 2340 तक भी नीचे में आ सकता है। तो मेरी राय में थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है इस समय बिकवाली करके चलने में, क्योंकि बाजार ने कल काफी शॉर्ट कवरिंग भी कर ली मे के कॉन्ट्रैक्ट की, और प्लस बाजार आज उस रफ्तार को अपने आई थिंक मेंटेन नहीं कर पा रहा है। अभी भी आई थिंक 5 मिनट में ही बाजार ने 20 रुपए की अपनी तेजी खोई है, तो मुझे लगता है कि बाजार में बिकवाली का ट्रेड जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काफी फेवरेबल है। ठीक है सचिन, आपके हिसाब से क्रूड में अभी क्या किया जाए? आपको भी लगता है कि चूंकि मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है, ऊपर नीचे हो रहा है, अब फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, हायर लेवल से फिसलता हुआ दिख रहा है, क्या किया जाए? हाँ, गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। एग्जैक्टली क्रूड के अंदर कल जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है वहां से करीब 2530-2534 रुपए का हाई लगाने के बाद में करीब 100 पॉइंट का एक बिकवाली वापस से हाई लेवल से देखने को मिली, और आज जो प्राइसेस है वो एक दायरे में ट्रेड हो रहे हैं, नीचे में 2370 और ऊपर में 2465-2470 के आसपास में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है जब तक 2500-2520 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं हायर साइड में, तब तक इसमें तेजी जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। तो बेटर है कि 2470-2480 के आसपास में अगर प्राइस मिलते हैं तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 2520 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं, और डाउन साइड में वापस से 2400-2370 रुपए तक के टारगेट्स जो हैं वो क्रूड के अंदर देख सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपकी क्रूड पर है। अभी मार्केट करीब 1% ऊपर है और 2426 के आसपास, 28 के आसपास इनफैक्ट इस वक्त ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में क्या किया जाए राजीव जी? मृत्युंजय जी, नेचुरल गैस ने एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक पैटर्न को ब्रेक किया था कल के सत्र में, और एक बार 140 तक बाजार गया ऊपर में, और आज बाजार गैप डाउन खुल के फिर से 140 की तरफ अटेम्प्ट कर रहा है। इसमें दो तरह की रणनीति बनाई जा सकती है, या तो बाजार 141 के ऊपर सस्टेन करे तब इसमें खरीदारी की जाए, और दूसरी इसमें स्ट्रैटेजी बनेगी अगर बाजार 136 के नीचे में सस्टेन करे तो बिकवाली की जा सकती है, 139 का स्टॉप लॉस रखना है, और दो टारगेट रहेंगे 132 एंड 128। ठीक है, तो ये रहा आपकी नेचुरल गैस के ऊपर है, तो क्रूड और नेचुरल गैस। अब बात करते हैं गोल्ड की, और रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद गोल्ड का मार्केट थोड़ा सा सुस्ती के मूड में दिख रहा है। कल ही मार्केट ने एक बड़ी ऊंचाई को छुआ है, 48,000 के करीब भाव पहुंच चुका था। अब यहाँ से सचिन, गोल्ड का क्या व्यू है आपका,
क्या गोल्ड में एक बार फिर से बाइंग का माहौल बनेगा? आपको लगता है कि अभी बाइंग करके चलना चाहिए? नितिन जी, जिस तरीके से लास्ट वीक से एक वन साइड मोमेंटम जो है गोल्ड के अंदर देखने को मिला है, करीब 1200 से 1300 पॉइंट की तेजी जो है, एक तरफा तेजी देखने को मिली, और कल लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद में मार्केट के अंदर जो हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी खासी देखने को मिली है, आज के सत्र में गोल्ड के प्राइसेस जो है वो डाउन साइड में ट्रेड हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक से दो ट्रेडिंग सेशन के लिए इसमें एक बार डाउन साइड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। हालांकि ओवरऑल अंडरटोन गोल्ड का पॉजिटिव ही है, तो ये डाउन साइड में बाय ऑन डिप्स की सजेशन बिल्कुल रहेगी जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि करीब करीब 400 से 500 पॉइंट का करेक्शन जो है वो करंट प्राइस से मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो आज इंट्राडे के लिए अगर देखा जाए तो मेरी सजेशन जो है वो गोल्ड में सेल की रहेगी। मुझे लगता है एक बार 46,700-750 के आसपास से शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं, और डाउन साइड में 46,400 रुपए तक का टारगेट जो है वो आज और कल के ट्रेडिंग सेशन तक के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में एक बार 200-300 रुपए डाउन साइड के लिए शॉर्ट करके चलना ठीक रहेगा, इस पर आप नज़र रखिए। आपका व्यू राजीव जी गोल्ड में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? जो लोग पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं 2-4-5 दिन हफ्ते भर के लिए, उनको अभी गोल्ड में क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, देखिए जो कल जिस तरह की बिकवाली इसमें गोल्ड में देखने को मिली, तो काफ़ी मुझे लग रहा खतरनाक बिकवाली हुई है कल। और गोल्ड में अभी मुझे लगता है कि आने वाले हफ्ते 10 दिन के लिए तो बाज़ार तेजी नहीं पकड़ना चाहिए, जब तक कल के हाई के ऊपर बाज़ार नहीं सस्टेन करता है, और जिसकी संभावनाएं थोड़ी कम लग रही हैं क्योंकि बाज़ार कल पूरा दिन तो ग्रीन उसमें निशान में था, और शाम के बाद एक ऐसी भयंकर बिकवाली आई जिसमें बाद बाज़ार ने सारी एक तो अपनी तेजी खोई और प्लस काफ़ी अच्छे माइनस में बंद हुआ। तो मुझे लगता है कि पोजिशनली तो देखिए मृत्युंजय जी, मुझे अब अगले 5-6 दिनों के लिए तो बिकवाली लगती है, बट आज का सत्र ऐसा लगता है कि थोड़ा साइडवेज रहने वाला है, तो 200-300 रुपए की एक रेंज में बाजार ट्रेड करना चाहिए आज के सत्र में। आज की जो हमारी कॉल है वो बहुत ही छोटी कॉल है, 46,600 पे खरीदना है, 46,500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, और बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, 46,800 का ही टारगेट भी रखना है सिर्फ। अच्छा, 46,800, ठीक है। तो ये आप गोल्ड पर ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में भले आपको थोड़ी बहुत बिकवाली की राय दी जा रही है, लेकिन पोजिशनली 200-300 रुपये अपसाइड के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इस पर आप नज़र बनाकर चलिए। चांदी पर सचिन, आपका क्या कमेंट है? चांदी में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? रतनजी जी, जैसा कि लास्ट वीक्स में देखने को मिला, करीब थर्सडे से ये रैली स्टार्ट हुई थी, और कल तक के बीच में जो करीब 5,000 पॉइंट का मोमेंटम जो है चांदी में देखने को मिला है लास्ट 4 डेज के ट्रेडिंग सेशन में, उसके बाद में हैवी बिकवाली भी आई है। और मुझे लगता है ये जो ओवरऑल 5,000 पॉइंट्स की जो रैली थी, इसका अगर मैं 50% रिट्रेसमेंट लेके चलता हूँ, तो मुझे लगता है एक बार की कम से कम 2,500 पॉइंट जो है चांदी में करेक्शन आना चाहिए था, जो की करेक्शन अभी हायर लेवल से 1400-1500 पॉइंट का आया हुआ है। तो मुझे लगता है एक बार 800 से 1000 पॉइंट की गुंजाइश और है चांदी में सेल साइड आने की। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है 800 से 1000 पॉइंट डाउनफॉल आता है तो वहां से वापस से बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं इंट्राडे के लिहाज से देखते हैं, तो करंट लेवल से बिल्कुल बिकवाली की सलाह रहेगी। अपसाइड में मुझे लगता है एक बार जो स्टॉप लॉस ले सकते हैं वो 47,900 का रहेगा, करंट लेवल से शॉर्ट पोजीशंस बना के 47,900 के स्टॉप लॉस के साथ में डाउन साइड में 47,000 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, दिलीप हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त श्यामगढ़ से, पूछिए दिलीप। गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग, पूछिए। सर मैं बोल रहा था जी, सुन रहा हूँ, पूछिए। क्रूड ऑयल में क्या करना चाहिए सर हाजर में? क्रूड ऑयल में अभी क्या करना चाहिए? ओके, क्या करना चाहिए राजीव जी कच्चे तेल में अभी? मृत्युंजय जी, देखिए इसमें सेलिंग की ही एडवाइस होगी। मेरा मानना है कि 2440 के आसपास एक अच्छा बिकवाली का लेवल है, 2480 का एक स्टॉप लॉस रखना है जो आज के उच्चतम स्तर से करीबन 13-14 रुपए ऊपर है, और नीचे में मुझको 2370-2340 दो लक्ष्य दिखते हैं, और उस हिसाब से इसमें 2440 पर बिकवाली की एडवाइस होगी और 2480 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, ठीक है, ये राय आपके लिए कच्चे तेल पर है, इस पर आप नजर रखिए। सचिन, बेस मेटल में आपकी टॉपिक क्या है आज के लिए?
रतनजय जी, बेस मेटल्स में मेरी टॉपिक आज के लिए कॉपर में रहेगा। मुझे लगता है कि कॉपर में जो डाउनसाइड से 400 398 के आसपास से जो रैली पकड़ी थी 410 412 के आसपास में, मुझे लगता है यहाँ पे आके एक बार प्राइजेस थोड़े से एग्जॉस्ट हो गए हैं। 412 के आसपास में अगर प्राइस मिलते तो वहां से शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। 416 का एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस रखना होगा और डाउनसाइड में वापस से 406 405 रुपए तक के लेवल्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बीच विष्णु हमारे साथ जुड़ रहे हैं खंडवा से, पूछिए विष्णु जी। विष्णु अग्रवाल जी पूछे हैं। हाँ हाँ सर, विष्णु अग्रवाल बोल रहा हूँ खंडवा से। सर ये नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए और कॉटन शीट केक में क्या सवाल पूछिए। ठीक है, नेचुरल गैस और कॉटन सीड ऑयल केक में क्या करना चाहिए ये आप जानना चाहते हैं। राजीव जी बताइए, इन दोनों काउंटर में ट्रेड के लिए क्या किया जाए अभी, नेचुरल गैस में और कॉटन सीड ऑयल केक में? नेचुरल गैस में तो अभी हमने एक स्ट्रेटजी डिस्कस भी किया था, अगर नेचुरल गैस 141 के ऊपर चलता है तो बाइंग का ट्रेड बनता है और उसमें 145 का टारगेट रहेगा, 138 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर नेचुरल गैस 136 के लेवल को नीचे में ब्रेक करता है तो उस स्थिति में इसमें बिकवाली का ट्रेड बनेगा 139 के स्टॉप लॉस से 132 के टारगेट के लिए। और जहां तक कॉटन ऑयल सीड केक के ट्रेड का सवाल है, कॉटन ऑयल सीड केक मुझे लगता है काफ़ी गिरावट दिखा सकता है कल के सत्र में, तो मेरी राय में 2100 के आसपास इसमें सेलिंग कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करना है 2130 रुपये का। और नीचे में सॉरी मैं गलत बोल गया थोड़ा सा, 2030 पे बिकवाली कर सकते हैं, 2060 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसमें। और नीचे में मुझे जो टारगेट दिखते हैं वो 1940 और 1950 का दिखता है इसमें। ठीक है, ओके। अगला सवाल है हिलाल का, कश्मीर से हैं आप हमारे साथ, पूछिए। जी सर, मैंने क्रोड, गुड इवनिंग सर, मैंने क्रोड 1950 पे लिया था, अब इसको क्या करना, रखना है या अभी निकालना है? 1950 में आपने बाय किया था? जी जी। अरे आपको बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छा ट्रेड लिया, बहुत अच्छा प्राइस अभी मार्केट में चल रहा है और आपके लेवल से तो बहुत, आप देखिए 2400 के आसपास मार्केट चल रहा है, 1950 पर आपकी बाइंग है, बहुत अच्छा ट्रेड है। सचिन जी क्या किया जाए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इनको या कुछ और प्रॉफिट की उम्मीद है, बने रहें? रतनजी जी, अगर इनके पास में नंबर ऑफ लॉट्स ज़्यादा है तो मुझे लगता है एक बार इनको पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बट अगर ट्रेड एक ही लॉट में किया हुआ है तो मैं इनको सजेशन दूंगा कि एक बार ट्रेल स्टॉप लॉस करिए 2330 इस लेवल का एक ट्रेल स्टॉप लॉस लगा दीजिए और इन लेवल्स के आसपास अगर प्राइस आता है तो आपकी पोजीशन ऑफ स्क्रैप हो जाएगी, बट अगर 2470 2425 के ऊपर प्राइस निकलते हैं तो मुझे लगता है कि एक बार ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ में अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू चलने दे सकते हैं और 2700 2750 के आसपास में प्राइस आते हैं तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ठीक है, अगला सवाल है अंकित का, मुंबई से हैं हमारे साथ, पूछिए अंकित। मुझे गोल्ड और सिल्वर पे इंट्राडे में क्या ट्रेड लेना चाहिए आज के लिए जानना है। आज शाम के कारोबार के लिए राजीव जी, गोल्ड में और सिल्वर में क्या ट्रेड लेना चाहिए, मतलब ऐसा ट्रेड आप बताएं कि अभी ट्रेड इनिशिएट करें और रात को बाजार बंद होने से पहले प्रॉफिट बुक कर लें। मृत्युंजय जी देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड में 46,600 के आसपास बाइंग कर सकते हैं, 46,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 46,800 ये प्योरली इंट्राडे ही कॉल है गोल्ड का, और सिल्वर का भी प्योरली इंट्राडे कॉल है हमारा, 47,400 पर खरीदारी, 47,150 का स्टॉप लॉस और 47,800 का टारगेट, ये दोनों प्योर इंट्राडे हैं। अदरवाइज पोजिशनली अगर देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर दोनों ही मुझे कुछ आने वाले 3 या 4 दिन के लिए थोड़ा सा नरम लग रहे हैं, नीचे ही लग रहे हैं हमारा। ओके, अक्षिता हैं बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूछिए अक्षिता। मेरे पास कुछ ओल्ड ज्वेलरी है, अभी जो गोल्ड ऊपर हुआ है बिकॉज ऑफ यू नो ग्लोबल इकोनॉमी, क्या मैं अभी वो सेल करके 1-2 साल वेट करके जब ये सब सही होगा तब बाय बैक कर सकती हूँ क्या, शायद तभी 30,000 आ जाए? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या इस भाव पर पुराना गोल्ड निकाल दें।
राजीव जी थोड़ा सोच समझ कर बताइए कि क्या किया जाए। ये अक्षिता का ये जानना चाहते हैं कि जो इनके पास गोल्ड है, क्योंकि अभी भाव अच्छा मिल रहा है, तो क्या इस भाव पर गोल्ड बेच दें। हालांकि इनको गोल्ड आगे लेना है और ये इस उम्मीद में बेचना चाहती हैं कि आगे इनको एक बार जब सस्ता मिलेगा तो फिर ये खरीद लेंगी। इनफैक्ट ये 30,000 का भाव भी दिमाग में लेकर चल रही हैं, तो आप इसे क्या राय देंगे? मृत्युंजय जी देखिए, अगर इनको बेच के वापस खरीदनी है और वो भी ज्वेलरी बेच कर खरीदनी है तो मैं एडवाइस करूंगा बिल्कुल नहीं बेचें इसको, क्योंकि एक तो ये हाजिर बाजार में जब बेचने जाएंगे हाजिर में इस समय डिस्काउंट होगा कम से कम 5,000 से 4,000 रुपया प्रति 10 ग्राम का। तो पहली बात तो करंट भाव से ऑलरेडी वो 41,000 या 41,500 के आसपास ही बिकेगा इनका। प्लस जब ज्वेलरी को आप बेचते हैं तो ज्वेलरी में कुछ मिक्सिंग होती है, जब ज्वेलरी बनती है तो वो भी भाव उसमें से निकल जाता है, और जब आप दोबारा ज्वेलरी बनाने जाते हैं तो तब भी आपको 10 से 15% के ज्वेलर को वो चार्जेस भी देने पड़ते हैं। तो सबको अगर मैं मिलाऊंगा तो इनको जो रियलाइजेशन होगा पैसे का वो करीबन 35,000 के आसपास ही होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि गोल्ड पिछले अगले एक आधे साल में 35,000 आने वाला है, तो मैं एडवाइस करूंगा अभी बने रहें, ज्वेलरी को मेंटेन रखें, ना बेचें। ठीक है, मोहित हैं, अगला सवाल मोहित का है मुरादाबाद से, पूछिए मोहित। सर मोहित बोल रहा हूँ, लास्ट वीक मेरा सवाल था आपसे गोल्ड पे 47,335 रुपए शायद आपको याद हो। आज मेरा सवाल है कि चांदी 46,710 रुपए कब तक जा सकती है? आपको बधाई हो कि आपने इतना एग्जैक्ट सवाल पूछा कि देखिए भाव चला गया, आपका लेवल मिल गया। सर 342 पता नहीं आप कहाँ से निकाल के कुछ गुना भाग करके आप लाते हैं कि एग्जैक्टली। हाँ अब पता नहीं आप कहाँ से गुना भाग करते हैं कि क्या क्या ज्योतिषी आपको आती है। अभी आपने क्या पूछा, 46,310 रुपए 70 पैसे क्या पूछा आपने? 46,710 रुपए चांदी का भाव। 46,710। अब मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि आप अगली बार जब कैलकुलेशन करें तो उसको और थोड़ा सूक्ष्म बनाइए, मतलब 46,710 की जगह 46,710 रुपए 73 पैसे 83 पैसे, तो और थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। ठीक है राजीव जी बताइए, ये लेवल दिख रहा है क्या आपको सिल्वर में अभी? मृत्युंजय जी देखिए, अभी चांदी का भाव चल रहा है अराउंड 47,600, तो 46,710 का मतलब हुआ यहाँ से तकरीबन 900 रुपया नीचे, और चांदी को हमने एक एक दिन में 2,000 रुपये 3,000-3,000 रुपये भी मूव होते हुए देखा है। तो आने को तो ये दाम इनके कल भी आ सकते हैं और आने वाले एक या दो दिन में भी आ सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया चांदी थोड़ा इंट्राडे में साइडवेज है तो थोड़ा अपसाइड लग रहा है, 47,800 तक लग रहा है, और ओवरऑल तो अभी एक बार करेक्शन आएगा नीचे का, तो इनको मुझे लगता है 3-4 दिन में दाम आ जाने चाहिए इनके नीचे के 46,710 के। ठीक है, रमेश जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ राजस्थान से, पूछिए रमेश जी। नमस्कार। हेलो। नमस्कार, पूछिए। हाँ जी, ग्वार गम में अभी क्या करना चाहिए और क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? ग्वार गम में अभी क्या करना चाहिए बताइए सचिन जी, ग्वार गम में किस तरह का ट्रेड आप बताएंगे अभी? हाँ मृत्युंजय जी, जिस तरीके से क्रूड के प्राइसेस कंटिन्यूअसली अपसाइड में सस्टेन कर रहे हैं, मुझे लगता है ग्वारगम को एक सपोर्ट मिलना चाहिए इन लेवल्स पे। हालांकि आज प्राइसेस जो है थोड़ा सा डाउन साइड में ट्रेड हुए हैं, मुझे लगता है डाउन साइड में अराउंड 5,200-5,250 ये लेवल्स आते हैं, यानी 5,200-5,250 के आसपास में 5 पोजीशंस इनिशिएट करने की सलाह रहेगी। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीब 5,080 का रहेगा, उस स्टॉप लॉस के साथ में ये वेट कर सकते हैं अपसाइड में 5,500-5,600 के टारगेट के लिए। रवि का है दिल्ली से हमारे साथ है, पूछिए रवि। सर क्रूड के भाव 2,345 रुपए तक कब तक जा सकते हैं? 2,345, आज तो बहुत अलग अलग टाइप के सवाल आ रहे हैं, 46,710, 2,345। राजीव जी आप लोगों का काम बढ़ गया है, अब गोलमोल जवाब देने से काम नहीं चलेगा, एग्जैक्ट फिगर निकाल के लाना पड़ेगा, बताइए मुमकिन है क्या ये प्राइस? इस बाजार में एग्जैक्ट फिगर तो निकालना बहुत ही मतलब असंभव सा कार्य है, हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज ही बता सकते हैं बाजार का रुख देखकर। तो अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबिलिटी नीचे की है क्रूड ऑयल की, जैसा मैंने पहले भी बताया,
2440 के आसपास बिकवाली का ट्रेड इनिशिएट हो सकता है, 2480 का स्टॉप लॉस, 2370 और 2340 दो टारगेट मैंने बताए हैं। तो आने का तो देखिए आज के सत्र में भी आ सकता है और कल के सत्र में भी आ सकता है 2345 का रेट, और आज एपीआई के इन्वेंट्री के नंबर भी आने हैं। तो अगर इन्वेंट्री के नंबर में कुछ इस तरह का देखने को मिला जिसमें कि बिल्डअप वगैरह देखने को मिला ज़्यादा, तो उसमें भी आ सकता है। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है और 70-80 रुपये तो क्रूड ऑयल की वॉलीटिलिटी आई थिंक नॉर्मल हो गई है आज की डेट में, इसे हम ज़्यादा बड़ी वॉलीटिलिटी भी नहीं कह सकते। तो ये ट्रेड हमारा है, इसको फॉलो किया जा सकता है। ठीक है ठीक है, संदीप हैं हमारे साथ मंदसौर से, पूछिए संदीप जी। सर मेरा गोल्ड के बारे में सवाल है, फिजिकल में गोल्ड बाय करना था, तो सर अभी इस भाव पे करना चाहिए कि कुछ रुक सकते हैं? ये अच्छा सवाल है आपका, फिजिकल में गोल्ड में बाइंग करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं गोल्ड, क्या अभी खरीदना चाहिए सचिन जी, या थोड़ा रुक जाए, थोड़ा और करेक्शन आ जाए तब खरीदें? जी देखिए ओवरऑल गोल्ड का अंडरटोन जो है वो अभी भी पॉजिटिव ही है, बट अगर बात करें 2 से 3 दिन या 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन तो मुझे लगता है एक बार 500 से 700 पॉइंट का करेक्शन और गोल्ड दिखा सकता है। हालांकि इनको फिजिकल में लेना है तो ऑलरेडी प्राइसेस जो है डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहे हैं, फिजिकल मार्केट में करीब 3,000-4,000 पॉइंट डिस्काउंट पर चल रहा है एज कम्पेयर टू फ्यूचर मार्केट। मुझे लगता है अगर यहाँ पर 500 से 700 पॉइंट की गिरावट और मिलती है तो उस टाइम पे यह है फिजिकल में बाइंग पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है, मोहंती हैं हमारे साथ भुवनेश्वर से, पूछिए मोहंती जी। नमस्ते सर, मैं मेरे पास निकल बाइंग है 880 में, मैं प्रॉफिट कौन से लेवल पे बुक करूं? अच्छा ठीक है, 880 के भाव पर आपने निकल में बाइंग किया है। राजीव जी क्या सुझाव होगा आपका, कब निकलना है इनको, किस भाव पर निकलना चाहिए? मृत्युंजय जी देखिए निकिल 945 के आसपास एक अच्छा रेसिस्टेंस पकड़े हुए है, पीछे भी हमने देखा और बाजार 940-42 तक गया और वहां से टूटता हुआ बाजार फिसलता हुआ फिर 900 रुपए तक आया। तो देखिए दो तरह की स्ट्रेटेजीज ये अपना सकते हैं, या तो ये 940 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है यहीं पर ही अपना प्रॉफिट ले लें, और बाजार जब 945 के ऊपर निकले तब फिर से दोबारा प्राइस अपना ट्रेड इनिशिएट करें और 965 का टारगेट रखें। और दूसरा स्ट्रैटेजी ये अपना सकते हैं कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें 924 रुपये का, 924 रुपये नहीं जाता है तो वेट करते रहें, बाजार जब 945 के ऊपर निकल जाए तो स्टॉप लॉस को थोड़ा बढ़ाकर ऊपर कर लें, 934 रुपये कर लें उस स्थिति में, तो इस तरह से ट्रेल कर सकते हैं, 965 के आसपास जरूर ही अपना प्रॉफिट ले लेंगे। ओके, नरेश हैं वडोदरा से, पूछिए नरेश जी। हाँ नमस्कार जी, ये चांदी 1.5-2 साल में भाव बढ़ सकता है? 1.5-2 साल में चांदी का भाव क्या हो सकता है, हालांकि ये बताना बहुत मुश्किल काम है, फिर भी सचिन जी थोड़ा लॉन्ग टर्म पे मेहनत करते हैं, बताइए सचिन जी 1.5-2 साल में चांदी का भाव क्या होगा? प्रतिनिधि जी एट प्रेजेंट जिस टाइप के सेंटीमेंट है वो गोल्ड सिल्वर के लिए काफी पॉजिटिव ही है, और अपकमिंग लाइक मंथ में या क्वार्टर में देखा जाए तो अभी कोरोना के कारण जिस टाइप के सेंटीमेंट्स मार्केट में बने हुए हैं, तो और आने वाले नवंबर में जो है यूएस में इलेक्शन भी हैं, तो काफी सारे मेजर इवेंट्स जो है अपकमिंग ईयर्स में हैं, तो उनके बेसिस पे मुझे लगता है कि एक बार गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस जो है वो अपसाइड में कंटिन्यू रह सकते हैं। 1 से 1.5 साल का अगर व्यू लेके चले तो मुझे लगता है यहाँ से करीब करीब 55,000-58,000 के प्राइसेस जो है वो 1.5 साल के 1 से 1.5 साल के बीच में जो है सिल्वर के होने चाहिए। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। राजीव जी आपकी पहली कॉल। कॉपर में बिकवाली कर सकते हैं 412 के स्तर पर, और स्टॉप लॉस 414 रुपए का रखना है और टारगेट 407 रुपए का। आपकी कॉल सचिन जी। मेरा नेचुरल गैस में बाय की सजेशन रहेगा अराउंड 133-134 की रेंज में, 128 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और अपसाइड में 142 का टारगेट। आपकी आखिरी कॉल राजीव जी। मृत्युंजय जी क्रूड ऑयल में बिकवाली की सलाह होगी 2440 पर,
2480 का स्टॉप लॉस, 2370 का पहला लक्ष्य और दूसरा 2340। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और सचिन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।